हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आवर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 14 और 15 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का PDF का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल, कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है फॉर ट्राइबल्स हॉस्टल्स। 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु या फिर ई आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर है सी ओडिशा। सरकारी आंकड़ों के माने तो लगभग 6,500 हॉस्टल्स हैं ओडिशा में फॉर SC and ST और जहां पर 5,70,000 लगभग स्टूडेंट्स रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन्हें जो ये ISO सर्टिफिकेशन मिला है उसके ऊपर। इंडिया का पहला ऐसा राज्य है ओडिशा जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जो हॉस्टल बनवाया है। तो अब बात करते हैं कि वहाँ की जो SC and ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने मिशन सुविधा नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसके तहत जो जितने भी सरकारी हॉस्टल्स हैं वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हो, एक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जाए SC and ST स्टूडेंट्स के लिए ताकि उन्हें पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने GMR लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए एट भोगापुरम। 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी केरला या फिर ई तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर इज बी आंध्र प्रदेश। इस ये जो पैक्ट साइन हुआ इससे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जगन्ना चेदेदू नाम की एक स्कीम, वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत 10,000 रुपये फाइनेंशियल एड वो प्रोवाइड करेंगी ऑफ पीपल ऑफ 3 कम्युनिटीज़ जो कि होंगे बार्बर्स, टेलर्स एंड वॉशरमैन। इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ये अमाउंट हर साल ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स। तो चलिए अब बात करते हैं ये जो पैक्ट साइन हुआ है इसके ऊपर। ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट होता है उस एयरपोर्ट को स्क्रैच से डेवलप किया जाता है, मतलब जो अनयूज लैंड है उस पर ये एयरपोर्ट को बनाया जाता है और भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो बना था पाक्योंग। पाक्योंग एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन इंडिया जो भारत का 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट बना। तो चलिए आप बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने 12 जून को एक अग्रीमेंट साइन किया है विद GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड जिसके तहत वो एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार करेगी एट भोगापुरम इन द विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट और ये एयरपोर्ट 2023 तक रेडी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन से हमारे पास, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई पंजाब। तो चलिए इसका आंसर इज ई पंजाब। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह उन्होंने ये लॉन्च किया है ऐप जिसके तहत घर घर वो लोग निगरानी कर सकेंगे और COVID-19 के संक्रमण को रोक सकेंगे। ये जो ऐप है ये 12 जून को पंजाब गवर्नमेंट की सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें जो 30 ईयर से अबव लोग हैं उनकी डेटा इसमें अपडेट की जाएगी और 30 ईयर से बिलो खाली उनकी डेटा यहाँ पर कलेक्ट करके स्टोर की जाएगी जिन्हें कोई भी अंडरलाइंग बीमारी हो जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो और 30 ईयर्स के अबव जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी हो इसके हिसाब से इस डेटा के हिसाब से वो चेक कर सकेंगे किसे COVID-19 के सिम्टम्स होने के चांसेस हैं और COVID-19 के संक्रमण को वो अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे और रोका जा सकेगा कम्युनिटी स्प्रेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल,
किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने बाल श्रमिक विद्या योजना स्कीम लॉन्च की है बाल श्रमिकों के लिए? पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश या फिर ई पंजाब। तो चलिए इसका आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो बाल श्रमिक है यानी कि चाइल्ड लेबर्स हैं उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस स्कीम का नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना और ये लॉन्च की गई थी ऑन 13 जून, जिस दिन पूरे दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसके तहत जो उनका फर्स्ट फेज रहेगा बाल श्रमिक विद्या योजना, उसमें 2000 स्टूडेंट्स को वो लोग सिलेक्ट करेंगे और उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये डेटा वो वहाँ की ग्राम पंचायत, चाइल्ड लाइन, इन सब जगहों से लेंगे और जिनके घरों में किसी भी मतलब माता या पिता को कोई भी नॉन क्योरेबल बीमारी हो या उनके पास कोई लैंड वगैरह नहीं हो खेती करने के लिए, उस बेसिस पे वो लोग उसमें से 2000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ किस लिए उन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम में। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिन्हें चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रमिक बनना पड़ रहा है अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें 8 से 18 साल के बच्चों को चुना जाएगा और उन्हें अटल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो उत्तर प्रदेश की स्टेट में है उसमें एडमिशन दिया जाएगा और हर साल उन्हें पढ़ने के लिए 1000 रुपये वेतन मिलेगा और लड़कियों को 1200 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स क्लास 8, 9 और 10 में हैं उन्हें 6000 रुपये पर साल मिलेंगे ताकि वो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान सके और इससे ध्यान दे सके और इससे अपने बुक्स वगैरह या उनसे रिलेटेड सामान वगैरह खरीद सके। तो चलिए बढ़ते आगे हमारे पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा सवाल, कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 2020-21 में गेहूं का सबसे बड़ा खरीदकर्ता बना है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात या फिर ई हरियाणा। तो चलिए इसका आंसर इज सी मध्य प्रदेश। तो चलिए बताते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश ने और कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है। जैसे मध्य प्रदेश ने थैंक मॉम नाम की स्कीम लॉन्च की है वर्ल्ड पर्यावरण दिवस पर। इस दिन वो वहाँ पर पेड़ लगाते हैं, मतलब वहाँ के कुछ लोगों ने पेड़ लगाया है और उस पेड़ की वो देखभाल करेंगे जैसे लोग बुढ़ापे में अपने माँ बाप की देखभाल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने FIR आपके द्वार नाम का एक कह सकते प्रोजेक्ट चालू किया था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले और COVID-19 के संक्रमण को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए वहाँ की सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी ताकि जो पुलिस स्टेशन में अगर आप फ़ोन कर दे तो वो लोग आपके घर आके आपकी FIR लिखेंगे और आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो उन्होंने चरण पादुका नाम की एक प्रोजेक्ट या फिर मुहिम स्टार्ट की थी, जो प्रवासी मजदूर चलकर अपने घर जा रहे थे उन्हें जूते चप्पल प्रोवाइड किए जा रहे थे वहाँ की सरकार से ताकि उन्हें तकलीफ कम हो और वो नंगे पैर इतनी कड़ी धूप में चल के अपने घर नहीं जाएं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस डेटा की। जो पहला MP 2020-21 में उसने 12.77 मिलियन टन्स ऑफ वीट एक्वायर किया है और उसने पंजाब को इस साल पीछे छोड़ दिया। पंजाब ने एक्वायर किया था 12.76 मिलियन टन्स ऑफ वीट। इस डेटा की माने तो मध्य प्रदेश 25,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर रही है रूरल इकोनॉमी में इतने गेहूं खरीद कर। तो चलिए, और इस साल हमने ऑलरेडी बताई थी कि लार्जेस्ट वीट परचेजर बना है 2020-21 का मध्य प्रदेश और उसके बाद है पंजाब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन, कौन से केंद्रीय मंत्री ने शक्कर मित्रा नाम की एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी यूथ को? तो चलिए पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए थावरचंद गहलोत, बी रविशंकर प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ई रामविलास पासवान। तो चलिए इसका आंसर इज डी नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की है ये स्कीम। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन कौन से मिनिस्टर या कौन कौन से मंत्रालय इनके अंडर में हैं। थावरचंद गहलोत है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
रविशंकर प्रसाद है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, धर्मेंद्र प्रधान है मिनिस्टर ऑफ स्टील पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और रामविलास पासवान है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो चलिए अब स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट की है सहकार मित्र नाम की एक स्कीम, जिसके तहत NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में SIP यानी कि स्कीम इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड की जाएगी नए यूथ को। ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, बिकॉज जो कोऑपरेटिव, जो ये सब नए नए कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, उन्हें नए नए यंग आइडियाज़ मिलेंगे फ्रॉम दीज यूथ, और इन यूथ्स को अपनी आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा, ताकि वो अपनी यू नो नॉलेज को टेस्ट कर सके और नए नए आइडियाज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाए जा सके। और इसके लिए उन्हें इंटर्नशिप भी सरकार प्रोवाइड करेगी, 4 मंथ्स की इंटर्नशिप या 4 मंथ्स का स्टाइपेंड उन्हें दिया जाएगा इसके तहत। और इसके अलावा जो उन्हें लोन मिलने भी आसानी होगी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ में, जो यंग प्रोफेशनल से उन्हें एनकरेज किया जाएगा ताकि वो खुद का अपना स्टार्टअप करें, और वहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देने में भी उन्हें आसानी होगी। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो यंग एस्पिरेंट्स वहाँ पर जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। एल कैटरटन ने 0.39% स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म्स में, कितने पैसों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 189.450 करोड़, डी 2354.50 करोड़, सी 3898.50 करोड़, डी 4792.50 करोड़, या फिर ई 5254.50 करोड़। तो चलिए बात, इसका आंसर इज ए 189.450 करोड़। ओके, तो चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि एल कैटरटन, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर फोकस प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने 0.39% स्टेक खरीदा है फॉर ₹1894.50 फ्रॉम जियो। तो ये इन्वेस्टमेंट के बाद जो जियो प्लेटफॉर्म है उनकी इक्विटी वैल्यू हो गई है 4.91 लाख करोड़, और उनकी एंटरप्राइज की वैल्यू हुई है 5.16 लाख करोड़। ये उनकी 10वीं डील है इन द लास्ट 8 वीक्स। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने उन्होंने कौन कौन से डील्स साइन किए हैं, एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। अब तक उन्होंने ये सारी डील साइन किए, फेसबुक को उन्होंने बेचा था 9.99% स्टेक एट 43,573.62 करोड़ ऑन 22nd April। सिल्वर लेक को उन्होंने बेचा था 1.15% स्टेक फॉर ₹5,655.75 करोड़ ऑन 3rd May। विस्टा को उन्होंने बेचा था 2.32% स्टेक फॉर 11,367 करोड़ ऑन 8 May। जनरल अटलांटिक को उन्होंने बेचा था 1.34% स्टेक फॉर 6,598.38 करोड़ 17 मई को। KKR को उन्होंने बेचा था 2.32% स्टेक फॉर 11,367 22 मई को। 5 जून को उन्होंने मुबादला को बेचा था 1.85% स्टेक फॉर 9,093.60 करोड़। सिल्वर लेक ने दोबारा 0.93% स्टेक खरीदा है फॉर 4,546.80 करोड़ ऑन 5th June। 7 जून को उन्होंने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेचा है 1.16% स्टेक फॉर 5,683.50 करोड़। TPG जो कि है एक ग्लोबल टेक्सस पैसिफिक ग्रुप, उनको उन्होंने बेचा है 0.93% स्टेक फॉर 4,546.80 करोड़ 13 जून को। और एल कैटरटन को उन्होंने बेचा है 0.39% स्टेक
फॉर 1894.50 13 जून को। तो 13 जून को ये दो डील साइन हुई थी, एक का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अगले की हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अब तक उन्होंने 104,326.95 करोड़ मार्केट से उठा लिए बाई सेलिंग ऑफ देयर स्टेक्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन, कितने परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म्स ने बेचे हैं टू TPG यानी कि टेक्सास पैसिफिक ग्रुप फॉर 4,546.80 करोड़। पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए 0.23% स्टेक, बी 0.39%, सी 0.54%, डी 0.93% या फिर ई 1.32%। तो चलिए द आंसर इज डी 0.93% स्टेक उन्होंने बेचा है 4,546.80 करोड़ के लिए। ये डील हुई है 13 जून को और उस दिन उन्होंने एल कैटेटन को भी बेचा है अपना स्टेक ऑफ 0.39%। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे जियो के बारे में। जियो के फाउंडर एंड चेयरमैन का नाम है मुकेश अंबानी। जियो वॉज फाउंडेड ऑन 15 February 2007 और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। उस इंडियन अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए रतनलाल, बी अतुल कुमार जैन, सी एम अजीत कुमार, डी शोभा शेखर या फिर ई इंदु भूषण। तो चलिए इसका आंसर इज ए रतनलाल। ये एक इंडियन अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट है जिन्हें 11 जून को वर्ल्ड फूड प्राइज का अवार्ड मिला है और इसके तहत उन्हें मिला है $2.5 लाख का प्राइज मनी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये वहाँ के सेक्रेटरी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पो ने ये अनाउंसमेंट की और उन्हें बधाई दी और उनके बेहतरीन रिसर्च जो उन्होंने किया है इन द फील्ड ऑफ सॉइल साइंस उन्हें उसके बारे में बात की कि वो लगभग पूरी दुनिया में 500 मिलियन फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं अपनी रिसर्च के साथ और जिसमें वो काम कर रहे हैं कि कैसे जो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, हमारे जो पर्यावरण है उसे कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसे हम लोग कैसे रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ये फूड प्राइस किस लिए दिया जाता है। ये जो फूड प्राइस है 2020 का, वो जो ये लॉरिएट है यानी कि रतनलाल, उन्हें दिया गया क्योंकि उनके जो सॉयल सेंट्रिक अप्रोच था जिसमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का उन्होंने तरीका बताया जिससे नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाया जा सके और क्लाइमेट को भी बचा के रखा जा सके और कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि ये पर्यावरण को उन्होंने किस हिसाब से कम नुकसान हो, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनको मैक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब रीजंस के लिए उन्हें ये प्रेस्टीजियस वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया है एज दी हेड ऑफ दी वर्किंग ग्रुप जो RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को रिव्यू किया जा सके। पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए PK पुरवर, बी PK मोहंती, सी विनीत अरोड़ा, डी R माधवन या फिर ई अजय महाजन। तो चलिए इसका आंसर इज बी PK मोहंती को अपॉइंट किया गया है एज दी हेड ऑफ दिस कमिटी। तो चलिए अभी अनाउंसमेंट कब आई है ये बात कर लेते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 जून को अनाउंस की है कि वो एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स है उनके जो ये ओनरशिप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाएगा और उसमें क्या चेंजेस लाने हैं इस बारे में वो लोग बात करेंगे और इस ग्रुप को हेड करेंगे हमने ऑलरेडी RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PK मोहंती। ये जो इस ग्रुप का बनाने का उनका जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पज़ यही है कि जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग गाइडलाइंस और रेगुलेशन है ओनरशिप और कंट्रोल के ऊपर उसके ऊपर वो लोग ध्यान देंगे, चेक करेंगे कि उसमें क्या लूप होल्स वगैरह हैं जिसे चेंज किया जा सके और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाई जाए ताकि कोई भी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सके। उसके अलावा वो लोग
अप्रोप्रिएट नॉर्म्स वगैरह सजेस्ट कर सकेंगे ताकि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के ऊपर एक्सेसिव ओनरशिप या कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल नहीं है जिससे मिसयूज़ किया जा सके और जो माइनॉरिटी है शेयर होल्डर्स उनको अफेक्ट हो। इसके अलावा वो जो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ है जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्राइटेरिया वगैरह को रिवाइज़ करेंगे और ये सारी डिटेल्स उनकी जो इंटरनल ग्रुप है वो चेक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। किस कंट्री के साथ भारत ने हाल ही में MOU साइन किया है ऑन एनवायरनमेंट कोऑपरेशन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए नेपाल, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका या फिर ई भूटान। तो चलिए द आंसर इज भूटान। इसके अलावा भारत ने हाल ही में 2 MOU साइन किए हैं, 1 विथ डेनमार्क फॉर कोऑपरेशन ऑन पावर सेक्टर एंड दूसरा विथ ऑस्ट्रेलिया फॉर कोऑपरेशन ऑन डिफेंस। तो चलिए अब ये जो उन्होंने भूटान के साथ साइन किया है उसके बारे में बात करते हैं। भारत और भूटान ने हाल ही में एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए और आपसी कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया है जिसमें एयर क्वालिटी, वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसी सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर वो लोग डील करेंगे। ये 2 देशों के बीच में साइन की गई और हम दोनों आपस में अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे ताकि जो पर्यावरण है उसे कम से कम नुकसान हो और हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके जिसमें हम रहते हैं और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें हम बचा सके। तो दोनों जो कंट्रीज़ है आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी और एक साथ मिलकर काम करेगी। ये जो MOU है ये होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और जिस दिन ये साइन किया गया है उससे एप्लीकेबल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 11th June, बी 12th June, सी 13th June, डी 14th June या फिर ई 15th June। तो चलिए इसका आंसर इज सी 13th June को हर साल इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। पहले मैं आपको बताती हूँ एल्बिनिज्म क्या है। ये एक टाइप की आप कह सकते हैं बीमारी है जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है कुछ लोगों को, जिसमें जो मेलानिन है वो बॉडी में नहीं रहता। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनका पूरा बॉडी वाइट रहता है, सर पे भी सफ़ेद बाल रहते हैं, मतलब कुछ भी मेलानिन उनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता, वो पूरे वाइट या श्वेत दिखते हैं ऊपर से नीचे। इसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है और ये लोगों के छूने से यानी कि ये नॉन कॉन्टेजियस है, लोगों के छूने से नहीं फैलती, बट फिर भी पूरी दुनिया में इसे देखा जाता है अजीब ढंग से कि जैसे कि ये छूत की बीमारी हो। 13 June को ये दिन मनाया जाता है। ये जो लोग होते हैं जो एल्बिनिज्म से अफेक्टेड रहते हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, उनको बहुत गंदी नज़रों से लोग देखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि उनके ह्यूमन राइट्स को हम सेलिब्रेट कर सकें। 2020 का उनका थीम था मेड टू शाइन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 12th June, बी 13th June, सी 14th June, डी 15th June या फिर ई 16th June। तो चलिए इसका आंसर है सी 14th June को हर साल ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। जैसा कि अगर हिंदू शास्त्रों में आप पढ़े होंगे या जगह जगह आपने सुना ही होगा कि रक्तदान महादान होता है, हमें रेगुलरली ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर हमारे पास कोई भी बीमारी वगैरह नहीं है। तो हर साल 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर करा सके डोनेट करने के लिए ब्लड, उन्हें इनक्रेज कर सके, और जो लोग वॉलंटरीली डोनेट करते हैं रेगुलरली ब्लड और उसके लिए कोई पैसे वगैरह नहीं लेते हैं उनको थैंक करने के लिए ये भी दिन मनाया जाता है। बिकॉज वो जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा लाइफ सेविंग गिफ्ट लोगों को देते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या ब्लड की कमी से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। उनका 2020 का जो थीम है सेफ ब्लड सेफ लाइव्स और उनका जो स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक वर्ल्ड अ हेल्दी प्लेस। तो अगर आप उनमें से एक है या आप
अगर आप कुछ हेल्दी खाना पीना कर रहे हैं या आपके पास कोई भी अंडरलाइन बीमारी वगैरह नहीं है तो प्लीज़ आगे बढ़िए और डोनेट कीजिए ब्लड, क्योंकि आप नहीं जानते इससे कितने लोगों की जान जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। इंडियन फुटबॉल टीम की फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 101, बी 103, सी 108, डी 112 या फिर ई 116। तो चलिए इसका आंसर है सी 108। 108वें नंबर पर है भारत की रैंकिंग। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से देश की रैंक, पहले तीन पे कौन से देश हैं। फर्स्ट में है बेल्जियम, सेकंड नंबर पर है फ्रांस और तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील और चौथे मतलब सॉरी 108वें नंबर पर है भारत। इंडियन जो फुटबॉल टीम ने 108वां स्टॉप यू नो स्पॉट अपना जमाया है इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स। कोरोना वायरस के कारण ये सब जो टूर्नामेंट्स होने वाले थे फीफा के, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अब हम फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लोग जो पॉइंट्स स्कोर करती हैं टीम्स, उसके बेसिस पे उन्हें रैंकिंग देते हैं। हर साल ये रैंकिंग्स उस हिसाब से चेंज होती है। तो चलिए अब बात करते हैं फीफा के बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जियानी इन्फिनिटो। चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में सुसाइड किया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए एक्टर सॉरी ए टीवी एंकर, बी सिंगर, सी एक्टर, डी डायरेक्टर या फिर ई क्रिकेटर। तो चलिए इसका आंसर है सी एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में सुसाइड कर लिया अपने मुंबई के घर में 34 वर्ष की उम्र में। वो बिहार के पूर्णिया से थे और उन्होंने कई सारे डेली सोप्स में काम किया है, जैसे किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता। वो कई सारी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, जैसे MS धोनी, केदारनाथ और काईपोचे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मटीरियल्स मिल जाएंगे फॉर बैंकिंग, SSCs, रेलवेज, जैप, कैप, पैरा 13, इन सबसे रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, जिससे फिर आप एक्सेस कर सकते हैं 24/7 हमारे ऐप पर या फिर हमारे वेबसाइट पर। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।